नमस्कार, इंदू आइडल तरकारी स्पीड ट्रैवल ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप सब लोग देखे सोमनाथ से द्वारका में वापस आ गई हूँ और द्वारका में दो तीन दिन और रुकने वाले हैं। तो ये अगले दिन शाम का ब्लॉग है। सुबह में हम लोग गए थे मंदिर, आरती वगैरह भजन वगैरह करके आए, सब वहाँ पे दर्शन वगैरह करके आए, लेकिन वो सब वीडियो बना नहीं था। पहले आप सबको दर्शन करा चुके हैं तो इसलिए मैं दोबारा वो सब वीडियो बनाई नहीं। अगले दिन शाम का है ये, जो सब आप सबके साथ अपलोड नहीं, मतलब दिखाई नहीं हूँ, शेयर नहीं की हूँ, वो सब मैं अब आगे का दिखाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारा जो है ना चिड़ियाँ, मुर्गा और ये खरगोश वगैरह सब यहाँ पे पाल के रखे हुए थे लोग। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी का पत्ता है जो इसको खा रहा है सब। ये देखिए खरगोश और ये मुर्गा भी खा रहा है इस पत्ते को। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दोनों छीन छीन के खा रहा है एक दूसरे से। ये खरगोश भी आकर के लेता है और वो छीन करके ले जाता है दोनों। ये देखिए कैसे तेजी से खाया जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था ये सब। और चिड़िया भी है कितना खूबसूरत सब। ये देखिए खूब सारा आवाज़ करते रहती है, रात को बिल्कुल नहीं बोलती है ये। जब रात को हम वापस आए थे तो इसको बहुत बोलने का कोशिश किए, कोई नहीं बोलता है, एकदम नियम पालन करता है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि चिड़िया में भी कितना ज़्यादा इसका नियम का होता है। सब लोग एकदम आराम से सो रहे थे, बिल्कुल एक बार भी आवाज़ नहीं किया। मैं कितना भी कोशिश की बोलने का नहीं, मतलब कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, आराम से सो रहा था ऐसे। और ये शाम के टाइम, अभी सूर्य अस्त होने से पहले का है, तो सूर्य अस्त का व्यू जो है ना पीछे के साइड से, ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसके पीछे के साइड बहुत ही बढ़िया सीन बनता है। तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ आप सबको दर्शन कराएंगे। और भी कई सारा वहाँ पे मंदिर है जो हम लोग दर्शन करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल में, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यहाँ निकल लिए हम लोग। ये देखिए सामने सूर्य अस्त होने का व्यू थोड़ा सा दिख रहा है, तो वहाँ पे पास में चल रहे हैं समुंदर के पास, जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलते रहती है शाम के टाइम। यहाँ पे घूमने के लिए ना इतना बढ़िया है सब कुछ कि आप कई दिन तक यहाँ, समय कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आसपास बहुत ही खूबसूरत व्यू और सब, मतलब वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है और आनंदित करने वाला वातावरण सब रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हम लोग नज़दीक पहुँच करके, अब पास में ही लेफ्ट साइड में इधर बहुत बड़ा सा पार्क भी है, सोचे थे उसमें भी जाने का, लेकिन हम लोग अभी नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो गया था और भी कई सारा दर्शन करना था। तो बस वही, और उधर से सोमनाथ से लौट के आए तो थकान हो गई थी, दोपहर को खाना वाना खा के फिर हम लोग सो ही गए थे और शाम हो गया है, फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं ये घूमने देखने के लिए। ये देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये देख सकते हैं समुंदर। ये समुंदर जा कर के पीछे जो गोमती नदी है उससे मिला हुआ है और चारों तरफ से घिरा हुआ ही समुंदर है ये चारों तरफ से। और बीच में ही ये द्वारकाधीश का मंदिर है जो पहले भी बताई थी मैं, तो वही है। ये चारों तरफ से घूमता है समुंदर। यहाँ देखिए कितना सुंदर व्यू इस पर पड़ रहा है सूर्य का, रोशनी का। उतना वीडियो साफ नहीं आया है जितना खूबसूरत सामने से देखने में लगता है, बहुत ही सुंदर व्यू बन रहा था यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो हम लोग भी आकर के थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, ज़्यादा देर नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, और भी काफ़ी कुछ देखना था, सब कुछ घूमना था। जो समय था उसको पूरी तरह से, मतलब अच्छे से इंजॉय करते हुए, दवा वगैरह खा के, कितना भी तबीयत वगैरह भी लग रहा था कि अब शरीर लोड नहीं ले रहा है तो बस दवा खाओ और जा करके घूम के आइए, ऐसे करके था। सब कुछ मतलब देखना है, समेट लेना है बिल्कुल सब चीज़, इतना खूबसूरत था सब चीज़। तो हम लोग बस यहाँ पर घूम के आइए, दूसरे साइड चल रहे हैं जहाँ पर मंदिर है, दिखाएंगे आपको। यहाँ थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचते हुए ऊपर देख सकते हैं हवा कैसे चल रहा है, तेज तेज सब उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब कि देख सकते हैं पीछे जो खड़े हैं लोग, और यहाँ देखिए ऊपर आकर के ये जो साथ में थे कन्हैया जी, वो बोले थोड़ा बना देते हैं वीडियो। तो ये देखिए हम चारों तरफ से इधर घूमे हैं और ये बना दिए हैं वीडियो, तो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना ये सीन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पार्क के साइड भी बहुत खूबसूरत है, तो बाद में सोचे थे जाएंगे लेकिन नहीं हो पाया है वो जाने का। आप लोग जाइए तो पार्क में भी जाया कीजिएगा, पार्क में भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, बाहर से ही देखे थे हम लोग, बहुत बढ़िया है सीन वगैरह। और बस यहाँ दूसरे साइड चल दिए हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बस मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे बस बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और साइड से कितना खूबसूरत सीन वो बन रहा है समुंदर का, वो भी दिख रहा था कैमरा में, भी बहुत सुंदर दिख रहा था उस समय, तो देख रहे थे। और इधर लाइट जलने लगा है तो बस सूर्य अस्त होने ही वाला है, और मतलब कि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। पीछे का सीन देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वो लाइट का जो हो रहा है, मतलब सूरज के लाइट का वो ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर मंदिर है, एक बहुत ही बढ़िया है शिव जी का मंदिर है पहले, और उसके बाद गीता मंदिर है, वो भी दिखाएंगे आप सबको। तो बने रहिए और देखिए सब दर्शन कीजिए, गीता मंदिर कैसा है वो भी देखिएगा, बहुत सुंदर है। और ये देखिए ये है गीता मंदिर है, ये इसमें हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ आ गए। और ये है
इसमें जो है ना कृष्ण जी का जितना उपदेश दिए हैं कृष्ण जी जो है अर्जुन को, वो सारा इधर लिखा हुआ चारों साइड से आपको दिख रहा होगा, दीवार पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कृष्ण अर्जुन संवाद का ये मंदिर बना हुआ है, गीता मंदिर। इसमें आप लोग दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। और इसमें जो है ना आवाज़ गूंजता है, इसमें कुछ भी आप बोलेंगे बातें करेंगे वो गूंजेगा। थोड़ा आवाज़ कम करके मैं इसमें इसका आवाज़ छोड़ दूंगी, तो आप लोग इसको सुन सकते हैं कि कितना आवाज़ वो कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा था, थोड़ा सा वीडियो यहाँ बनाए हैं और जो है थोड़ा सा झूमे हैं यहाँ पे, वो भी वीडियो है, देखिएगा। कृष्ण जी जो है संवाद दे रहे हैं इनको, अर्जुन को, ये पूरा सुन रहे हैं आराम से बैठ करके, और पूरा लिखा हुआ है चारों साइड से इस पर, ये देखिएगा। इस शाम का वक्त हो गया है, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे ये दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए है ये सब, तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए और ये देख सकते हैं बाहर की तरफ निकलना है, ये देखिए लिखा हुआ पूरा, ये गीता का ज्ञान इसमें सब लगा के रखा हुआ है। लोग आकर के यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ भी परेशानी वगैरह हो तो यहाँ पे बैठ करके थोड़ी देर जो है ना, बोलते हैं कि आराम से बैठने से भी अच्छा, मतलब कि परेशानी का हल मिल जाता है, अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। बहुत ही सुंदर है। और ये दूसरा मंदिर है, ये देख सकते हैं इस तरफ आ गए हैं दूसरे मंदिर की तरफ, ये देख देखिए यहाँ पे बहुत सारा है। यहाँ पे शिव जी का है पहले, और उसके बाद जो है और अंदर दिखाएंगे आपको। देखिए सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है ये, यहाँ अंदर आ करके शाम का टाइम है ये, मतलब आरती वगैरह यहाँ पे हो गया था थोड़ी देर पहले ही, और यहाँ पे लोग सब आ रहे थे दर्शन कर रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए महादेव जी का दर्शन कर लीजिए, हर हर महादेव। और उसके बाद और भी कई सारा है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं जो यहाँ पे आस पास है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ छोटा बच्चा भी कैसे कर रहा था, ये देखिए यही हर हर महादेव बोल रहा था, और बेलपत्र उठा करके ले जा रहा था, खुद चढ़ा के आ रहा था। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जयकारा भी बोल रहा था, बहुत क्यूट सा। और ये देखिए ये पंडित जी आ गए हैं, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग मतलब कि एक एक करके आ रहे हैं, लोग सब दर्शन कर रहे हैं अपना वो। और ये देखिए बसहा से कान में बोलना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जहाँ भी महादेव जी का मंदिर होता है वहाँ नंदी जी रहते हैं बाहर, तो उनसे ज़रूर बतियाना चाहिए। और ये देखिए उसके बाद इधर आ गए हैं दूसरा मंदिर, एक गीता मंदिर जो मैं बताई वो तो पहले आपको दर्शन करा दिए हैं गीता मंदिर, उसके बाद यहाँ पे एक और है जिधर ले चल रहे हैं अभी, देखिएगा ये देखिए ये वाला सब नाम लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं भारती नंदन, देख सकते हैं देखिए, ये सब बहुत पुराना मंदिर सब है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना पुराना मंदिर सब है, जो मतलब कृष्ण जी का नगरी जब बसाया गया था, द्वारका जी जब बसाए थे ये नगर को, उसी टाइम का ये मंदिर सब है। वहाँ पर जो पंडित जी और थे, पुजारी जी और, वो सब बता रहे थे। तो बस ये यहीं पे धर्मशाला वगैरह भी बना हुआ था पास में, वो सभी दिखा रहे थे। और ये आ गए हैं, ये देख सकते हैं, ये है रुक्मिणी और कृष्ण जी का टेम्पल, जो मतलब कि बहुत ही कम होता है, शायद कहीं होता ही नहीं है, आप देखे नहीं होंगे कृष्ण जी का रुक्मिणी जी के साथ में मंदिर। यहाँ पे कृष्ण जी और रुक्मिणी जी एक साथ स्थापित हैं, और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए अंदर चल के दिखाते हैं अभी अंदर में, ये देख सकते हैं और भी बाकी भगवान सब है साइड साइड से, और बीच में ये कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का मूर्ति है यहाँ पर, ये देखिए। दूसरे साइड का दिखा रहे हैं सब, कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का बीच में है, जो अभी दिखाएंगे आपको, एक एक करके सब दर्शन कराते हुए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं सब भगवान जी सब, ये देखिए। ये देखिए ये है कृष्ण जी और रुक्मिणी जी दोनों का एक साथ, ये देख सकते हैं, दर्शन कर लिए आप लोग। तो बस यही है कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का एक साथ जो दर्शन करने का, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये,
जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब कि वीडियो बना के ले आई थी, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लिए, बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप लोग जाते हैं तो ये मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, 5-10 मिनट का ही रास्ता है पीछे से, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे की तरफ है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आधा एक घंटा लगेगा आपको, वो सब भी आप दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश गए हैं तो अच्छा है, काफ़ी सुंदर है और मान्यता भी है और बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो राधा और कृष्ण का ही आप मूर्ति देखे होंगे सब जगह या दर्शन किए होंगे, कहाँ भी जहाँ भी मंदिर वगैरह होता है, यहाँ पर है सिर्फ, जिसमें कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ विराजमान है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा मतलब कि फील हो रहा है वहाँ पर आने के बाद। आई इधर कुछ जो है ना फंक्शन पूजा पाठ वगैरह चल रहा था, बहुत बड़ा मंदिर है चारों तरफ से घुमा करके, धर्मशाला वगैरह भी, उसमें रुकने के लिए पेड वाला भी और बिना पेड वाला भी, ये सब भी है, सब कुछ है और बहुत सुंदर मंदिर है। ये देख सकते हैं स्वामी नारायण करके लिखा हुआ है ना, स्वामी नारायण टेम्पल करके है ये, लेकिन इसमें अंदर जो है लिखा हुआ है मतलब कि स्थापित है कृष्ण, देखिए मंदिर द्वारिका लिखा हुआ है ना ऊपर, तो आप सब लोग पढ़ लिए होंगे। और ये चारों तरफ से बाहर से व्यू सब देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, इस सब में रुकने उकने का भी व्यवस्था है पूरा, स्वामी नारायण टेम्पल ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, चारों तरफ से घुमा के बहुत अच्छा लगा ना, बहुत सुंदर है ये स्वामी नारायण टेम्पल है। और इसमें अंदर मूर्ति सब जो स्थापित है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और ये बाहर से व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये मंदिर बहुत सुंदर है। तो बस ये सब है जो हम यहाँ पे दर्शन करा दिया आप सबको, तो आशा है पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और आगे पीछे की तरफ जो और मतलब कि आगे के वीडियो में आएगा जो पीछे के साइड, जैसे द्वारकाधीश के पीछे की तरफ बहुत कुछ है दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, वो सब अगला वीडियो में लेकर के जल्दी ही हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप सब लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और यहाँ पे अब रात हो गया है काफ़ी, तो बस डिनर का टाइम होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और मंदिर वगैरह सब भी यहाँ पे बंद होने वाला है अब, तो ये बाज़ार में थोड़ा सा देखते हुए बाहर के साइड और निकलते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए पिल्ला सब आ गया है छोटा छोटा, ये देख सकते हैं, ये देखिए छोटा छोटा। और ये है रास्ते में यहाँ पे कुआँ, देख सकते हैं ये कुआँ जो उस समय का है जब द्वारका नगरी बसाया गया था ना, उस समय का ये कुआँ है, अभी भी इसमें पानी है। और ये देख सकते हैं ये कैसे है, गंदा हो रखा है लेकिन पानी अभी भी है इसमें, ऐसे करके पानी रुक्मिणी जी वगैरह यहाँ पे पानी भरती थी, वो सब बोला गया है मतलब कि बताते हैं लोग उस समय का है ये सब, पूरा ये सब बसा हुआ था ना नगर जब वो ऐसे था तब का है ये सब। और यहाँ देखिए ये पिल्ला ये सब ये देखिए सब खेल रहा है। तो बस हो गया, और इधर से आ गई है बहुत सारी गाय सब, तो द्वारिका में और मथुरा में ये सब जगह में गाय तो बहुत सारी मिलती ही है, कृष्ण जी का सब जो है ना भक्ति में लीन रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर है। तो बस यहाँ रात हो गया, हम लोग अब अपने मतलब जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।